जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हैदर साहब, आपने पिछले दिनों लास्ट वीक आपका वॉकआउट हुआ नेशनल असेंबली से एक्सटॉर्शन मनी और स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ। एमक्यूएम ने ये स्टेप 8 महीने पहले भी लिया था, जानना चाहेंगे कि उस 8 महीने पहले की क्या अपडेट है और आप समझते हैं कि अब ऐसा करने से क्या चेंजेस आने के इम्कान है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मशा, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चेंज आना है, क्योंकि चेंज इस हवाले से पॉलिसी लेवल पर अगर आएगा तो फिर कराची में एक्सटॉर्शन के हवाले से सूरत हाल बेहतर होगी। मगर आपने देखा कि हमारे वॉकआउट के बाद लियारी में क्रैकडाउन हुआ और क्रैकडाउन के नतीजे में फिर वहां पर जो मार धार हुई आपस में, दो जो वहां पर गैंग वॉर्स लड़ रहे हैं उनके दरमियान, और फिर आज जो ली मार्केट दिन भर मैदान जंग बना रहा है एक्सटॉर्शनिस्ट और पुलिस के दरमियान, वो भी सूरत हाल आपके सामने। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट तो बहरहाल इन एक्सटॉर्शनिस्ट के लिए खड़ी करनी पड़ेगी। हम कराची को उनके रहमो करम पर तो नहीं छोड़ सकते, लिहाजा हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और ये हमारा एहसास जिम्मेदारी ही है कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, और जब पानी सर से ऊंचा लगने लगता है तो फिर हम उसके लिए फिर तमाम वो इकदाम उठाते हैं जो आईनी है, कानूनी है, जमहूरी है और इखलाकी है। ठीक सर, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने अब तक आखिर इस बारे में कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो ताजरान बिरादरी की शिकायत और प्रॉब्लम्स कई सालों से चल रही है कराची में स्पेशली, क्या समझते हैं इसकी इसकी इग्नोरेंस या इसको क्यों बैक बर्नर इश्यू बना देते हैं? देखिए, इसमें कुछ वेल कनेक्टेड लोग भी इन्वॉल्व है और ये बात कराची में किसी से ढकी छुपी है नहीं, और जाहिर है कि उनका ताल्लुक कुछ ऐसे लोगों से भी है जो बिलवास्ता या बिलावास्ता जो है वो हुकूमती सेटअप का हिस्सा हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कुछ पुलिस के साथ, और इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर हाथ डालना आसान काम नहीं रहा। दूसरी तरफ जो एक्सटॉर्शनिस्ट बड़े हैं वो दहशतगर्द जो कि तालिबान हैं, कलदम तंजीमें हैं, जाहिर है कि वो भी एक अलग नेक्सस और माफिया है, एंड दे आर क्वाइट पावरफुल एज वेल। राइट। अच्छा सर, एमक्यूएम को भी इसमें मुलविस किया जाता है और एमक्यूएम को भी लोग जो है वो इल्जाम देते हैं कि वो भी इसका एक पार्ट हैं, और इस वक्त ये एक पावर स्ट्रगल की जंग है इसलिए ये इशू खड़ा हुआ है, एंड आप क्या कहेंगे इस बारे में? मिशा, अभी असगर शाह केस की जो प्रोसीडिंग है वो पूरी दुनिया के सामने आई है, और जब सरकारी सतह पर भत्ता बट रहा था तो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम ने उस वक्त नहीं लिया जब सतह पर इस गंगा में तमाम ही सियासी लोगों ने हाथ धोए और मुसलसल धोते रहे हैं। और एमक्यूएम के बारे में, अल्ताफ भाई के लोग बारे में, वो भत्ता देने वाले आके बताते रहेंगे कि हम लेकर गए थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, हम लेकर गए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो हमारी तो ये स्टैंडिंग है, अल्लाह का शुक्र है कि एमक्यूएम के ऊपर तमाम इल्जाम है सिवाय इस बात के कि हम फाइनेंशियली या मॉरली खुदा न खास्ता करप्ट हों। ठीक ठीक। अच्छा सर, एक आप एक बात समझ नहीं आती कि आपकी कोएलिशन है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ, मगर एक बहुत ही बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और एक बहुत बड़ा वॉइड दिखता है आपकी कनेक्शन में और आपकी फिलोसफीज में। तो सर, ये कोएलिशन कुछ ना समझ में आने वाली बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे बोथ पार्टीज आर ऑन डिफरेंट पेजेस, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, अगर हम एक ही जमात होते या कोएलेशन में एक दूसरे के अंदर जम हो गए होते, अमलगमेट हो गए होते, तो शायद ऐसा ना होता। क्योंकि हम दो अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग सियासी मंशूर रखती हैं, अलग अलग नजरियात रखती हैं, तो जाहिर है जहां दो बर्तन होंगे तो खड़केंगे जरूर। तो सर, आप समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त आपके साथ मिलकर काम करेगी, या जैसे आपने वॉकआउट किया, प्रेसिडेंशियल एड्रेस का भी वॉकआउट किया, इसकी नौबत जो आई है तो इससे तो ऐसा लगता है जैसे हुकूमत एक अलग उनका एजेंडा है और आपका एक अलग एजेंडा है, तो ये मिलके क्यों नहीं काम हो रहा है इस बारे में? मैंने आपको बताया ना कि दो अलग अलग जमाते हैं, दो अलग अलग मंशूर हैं, दो अलग अलग रवैये हैं, एक मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, एक फ्यूडल क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, जाहिर है उसमें हम दो मुख्तलिफ पेजेस पर ही होंगे। ठीक ठीक सर, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम, थैंक यू।